आर्यकन्या इंटर कॉलेज में आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस शिक्षा दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला, निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, भाषण प्रतियोगिता करवाई गई, स्टूडेंट के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती और सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्रों पर प्रधानाचार्य द्वारा माल्य अर्पण कर किया गया और सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गयी। कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी टीचर्स को। आज डॉक्टर साहब राधा कृष्णन का जन्म दिवस है, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति। तो आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, बच्चों की तरफ से हमें ये रेस्पेक्ट है, उनके दिलों में क्या जज्बात हैं उसको वो अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कोई डांस लेके आ रहा है, कोई सॉन्ग लेके आ रहा है, कोई निबंध लिखवाए गए हैं, किसी किसी से भाषण की तैयारी करवाई गई है। सबका फोकस यही है कि किसी प्रकार से जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे हमारे देश के लिए जिन बातों की कमी हो गई है, वो हम बच्चों को दें। आज की डिमांड ये है कि नैतिक जोर दिया जाए और साथ साथ ये भी कि डिजिटल इंडिया जो हो रहा है हमारा, उसके लिए हम उनको वो एजुकेशन प्राप्त करवा सकें जिससे वो हमारे देश का भविष्य एक ऐसा भविष्य है जहाँ हमारे बच्चों की वजह से, हमारे विद्यार्थियों की वजह से हमारा देश का भविष्य टिका हुआ है। तो दोनों जगह हम नैतिक गुण भी बने रहे हमारे, और हमारे साथ साथ जो डिजिटल इंडिया की डिमांड है उसके एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी? बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? बच्चों को संदेश है कि डिसिप्लिन माहौल में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर हमारा जीवन अगर डिसिप्लिन होता है और शिक्षक के अंदर जो शिक्षा हमें दे रहा है वो उसको हम कितना ग्रास्प कर रहे हैं, जो उन मूल्यों को हम कहाँ तक ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, वो एक बच्चे पर डिपेंड करता है। साथ साथ शिक्षक जो है वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता है, तभी वो एक सही शिक्षक सही मायने में कहलाया जाता है।